चिंचोली गांव ठंड में, जहां पर हमारे साथ में यहां के स्थानिक लोग भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं वो यहां के लोग। नेता तो होने से मुरजी पटेल जैसा होने, अच्छे आदमी, हर गरीब आदमी को सपोर्ट करते हैं। मुरजी भाई का यही है कि मुरजी भाई ने जब भी हम उनके पास गए, लाइट का प्रॉब्लम हो तो लाइट भी दिए, मंडल को वर्गनी का हो वर्गनी भी दिए, और काम के लिए मेडिसिन के लिए जिस घर यहाँ से गए हम, तो उन्होंने उनके लिए मदद की, दुख दर्द में साथ में रहते। इसीलिए हम ऐसा आमदार चाहिए, ऐसा नगर सेवक चाहिए जो लोगों की भलाई करे और लोगों को साथ लेके चलने वाला चाहिए। तो मुरजी पटेल जैसे आमदार का इस चुनाव में जितना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है किए, लेकिन जो भी किए बहुत अच्छा किए। जैसे कि लाइट वगैरह अंदर गली वली में जो लाइट वगैरह था, तो वो लाइट वगैरह पहले बहुत अंधेरा रहता था, वहाँ चोरी वोरी बहुत होता था, लेकिन उनके उनके सपोर्ट से लाइट वाइट भी गली में लग गया सब, जो भी बहुत अच्छा हो गया। बहुत ज़रूरत है उन जैसे नेता को जीतने की, ज़रूरत तो है ही, और वो सबको चांस मिलना भी चाहिए। पब्लिक ने देखा भी है, सबने किया भी है, तो वो हिसाब से आए मुरजी पटेल काका, जीते, उनको पूरा सपोर्ट है यूथ का। मैं तो मुरजी पटेल काका को ही बोलूँगा, क्योंकि एक ही है मुरजी पटेल काका। बस मुरजी पटेल ने अच्छा काम किया हुआ है, इधर गली गली में पूरा लाइट लगाया हुआ है, क्योंकि ऐसे नेता की हम लोग को ज़रूरत है, फुल सपोर्ट है, और हम लोग का फुल सपोर्ट है। नहीं, काम करने वाला व्यक्ति जब भी आएगा तो लोगों को उसका बेनिफिट ही मिलेगा ना, और हम तो यही चाहते हैं काम करने वाला व्यक्ति ही आए, तो उसका असर तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। ये थे आशीर्वाद चाल के लोग। इनका मानना है कि मुरजी पटेल जैसा अगर व्यक्ति यहाँ पर चुन के आता है तो जिस तरह से उसने आज तक काम किया है उससे ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। युवाओं में भी एक जोश देखा जा रहा है मुरजी पटेल को लेकर। उनका मानना है कि इस बार मुरजी पटेल ही जीतना चाहिए और वो चाहते हैं कि मुरजी पटेल जीते, लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं जनता ने मुरजी पटेल को एक विधायक के रूप में देखना अभी से शुरू कर दिया है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ मैं संजय दुबे, सुर्खियां न्यूज़, मुंबई।